नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव और मैं हूं अनुभव मिश्रा। आज हम बात करेंगे इंडियन क्रिकेट टीम की, जो अभी फिलहाल दौरे पर जा रही है आयरलैंड के, जहां पे 3 T20I की सीरीज उन्हें आयरलैंड के खिलाफ खेलनी है, जहां पे कैप्टन हमारे जसप्रीत बुमराह होंगे, जो काफ़ी लंबे अरसे बाद क्रिकेट के मैदान पर दिखाई देंगे भारतीय टीम के लिए। उन्होंने अपना आखिरी ODI जो मुकाबला था उन्होंने 14 जुलाई 2022 इंग्लैंड के खिलाफ खेला था, और T20I मुकाबले की बात करें तो 25 सितंबर 2022 ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला था। यानी लगभग साल भर का वक्त होने को आया है और जसप्रीत बुमराह अपनी चोट से परेशान थे, क्रिकेट के मैदान पर हमें कहीं नहीं दिखाई दिए थे। उनके साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा भी खेलेंगे, वो भी रवाना हुए हैं टीम के साथ। प्रसिद्ध कृष्णा ने 20 अगस्त 2022 को अपना आखिरी ODI मुकाबला खेला था। उन्हें लंबर स्ट्रेस फ्रैक्चर की वजह से क्रिकेट से काफ़ी लंबे समय दूर रहना पड़ा था। हाल ही में खबर भी आई थी कि जब तमिलनाडु में वो एक घरेलू टूर्नामेंट खेल रहे थे अपनी इंजरी से रिकवर करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा, वहाँ पे 2 ओवर 3 ओवर कैच स्पेल डाला था, पहले ओवर में उन्हें विकेट भी हासिल हुई थी। आयरलैंड सीरीज 3 खिलाड़ियों के लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। भारतीय क्रिकेट टीम ने एक अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंडियन क्रिकेट टीम के नाम से जो उनका पेज है इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर उन्होंने एक फ़ोटो भी साझा की है, जहाँ पे हम देख सकते हैं वॉशिंगटन सुंदर को, शिवम दुबे भी इस स्क्वाड का हिस्सा हैं, उनकी भी फ़ोटो है साथ के साथ, ऋतुराज गायकवाड के साथ भी अन्य खिलाड़ियों की फ़ोटो हुई है। जसप्रीत बुमराह ने भी अपने ट्विटर हैंडल पे ये फ़ोटो अपलोड की है। ये सीरीज इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि सामने हमें एशिया कप खेलना है, वर्ल्ड कप खेलना है। वाइट बॉल क्रिकेट है, T20I फॉर्मेट है, वनडे से हालांकि काफ़ी अलग फॉर्मेट है। यहाँ पे आप 20 ओवर खेलते हैं, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी होती है, लेकिन उन खिलाड़ियों के लिए ये अहम हो जाता है जिनको एशिया कप और वर्ल्ड कप में जगह मिलनी है, पहला। दूसरा, उन खिलाड़ियों के लिए जो इंजरी से रिकवर कर रहे हैं। आयरलैंड सीरीज में जो नाम है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ कि आखिर वो कौन से खिलाड़ी हैं जिनको इस सीरीज में जगह दी गई है। साथ के साथ हमें ये नहीं भूलना होगा कि भारतीय टीम को इस बार एशियन गेम्स में भी पार्टिसिपेट करना है, भारतीय क्रिकेट टीम को, वहाँ पे भी उन खिलाड़ियों के नाम मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से खिलाड़ियों को वहाँ पे जगह दी गई है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आयरलैंड सीरीज से, जहाँ पे जसप्रीत बुमराह, ऋतुराज गायकवाड, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, संजू सैमसन, जितेश शर्मा, शिवम दुबे, वॉशिंगटन सुंदर, रवि बिश्नोई, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह, मुकेश कुमार और आवेश खान, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्हें आयरलैंड दौरे के लिए टीम में जगह दी गई है। एशियन गेम्स में भी ये सारे खिलाड़ी हैं, सिवाय उन 3 नामों के जिन पे आज हम चर्चा करेंगे, जो हमारे लिए एशिया कप और वर्ल्ड कप दोनों ही टूर्नामेंट के लिए काफ़ी ज़रूरी खिलाड़ी बन सकते हैं। सबसे पहला नाम जसप्रीत बुमराह, मैंने बता दिया लगभग साल भर से क्रिकेट से दूर हैं। दूसरा नाम प्रसिद्ध कृष्णा, और तीसरा नाम जो भारतीय टीम के लिए लगातार खेल तो रहे हैं लेकिन उनकी परफॉर्मेंस एक बड़ी चिंता का कारण बन चुका है भारतीय मैनेजमेंट के लिए। उनके साथ साथ एक और खिलाड़ी हैं जिनके नाम को लेकर काफ़ी चर्चा की जा रही है, वो तीसरे खिलाड़ी हैं संजू सैमसन, और एक और नाम जिनको लेकर चर्चा की जा रही है वो है सूर्यकुमार यादव। दोनों खिलाड़ियों को ODI के लिए काफ़ी लंबे समय से ट्राई किया जा रहा है लेकिन परफॉर्मेंस दोनों ही खिलाड़ियों के बल्ले से बिल्कुल नहीं आई है, बल्ला बिल्कुल ODIs में खामोश रहा है। जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में कप्तान बनाए गए हैं, एशियन गेम्स में ऑब्वियसली उनको जगह नहीं मिलेगी क्योंकि उसी वक्त भारतीय टीम को वर्ल्ड कप भी खेलना है। दूसरा नाम प्रसिद्ध कृष्णा, हो सकता है इन्हें वर्ल्ड कप में जगह ना मिले लेकिन हो सकता है एशिया कप में हमें ये नाम दिखाई दे, क्योंकि देखिए वर्ल्ड कप से पहले हमें एशिया कप खेलना है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 3 ODIs की सीरीज भी खेलनी है, तो मे बी प्रसिद्ध कृष्णा का नाम वहां पे हम देख सकते हैं। जसप्रीत बुमराह चोट से काफ़ी परेशान चल रहे थे, IPL सीजन भी मिस किया था, लगभग 1 साल से क्रिकेट के मैदान से दूर हैं, अब वो वापसी करेंगे। क्या जसप्रीत बुमराह हमें वही पुरानी फॉर्म में दिखाई देंगे, ये एक बड़ा सवाल होगा। आप उनको गेम टाइम दे रहे हैं आयरलैंड के खिलाफ, वो गेम टाइम में रहेंगे, अपने आप को मैच फिट उन्होंने बना लिया उन्होंने, लेकिन मैच में वो परफॉर्मेंस उनकी काफ़ी मायने रखेगी। अगर आयरलैंड सीरीज उनके लिए बेहतर जाती है, वो 4 ओवर के पूरे अपनी स्पेल डालते हैं, तो एशिया कप के लिए ये बहुत बड़ी हरी झंडी होगी उनके लिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, और कप्तान की मुश्किलें यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ी कम जरूर होंगी। उसके बाद वर्ल्ड कप भी है, तो यहाँ से जब खिलाड़ी अपने आप को एक तरीके का स्टार्ट देता है तो उसके लिए बेहतर होता है, साथ के साथ टीम के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होता है। उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा है, देखिए प्रसिद्ध कृष्णा हो सकता है वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल ना हो क्योंकि वहाँ पे हमारे पास आपको देखिए मोहम्मद शमी भी हैं, मोहम्मद सिराज भी हैं, तो 2 तेज गेंदबाज उनके साथ साथ बुमराह अगर फिट हो जाते हैं तो हमारे पास 3 गेंदबाज ऑलरेडी
सेटल्ड हैं, तो प्रसिद्ध कृष्णा एज अ बैकअप फास्ट बॉलर टीम में जरूर रह सकते हैं, लेकिन प्लेइंग 11 मुझे थोड़ा मुश्किल लगता है। उसके बाद संजू सैमसन, देखिए नंबर 4 और 5 की जो समस्या है वो लगातार भारतीय टीम को परेशान किए जा रही है। श्रेयस अय्यर और केएल राहुल इंजर्ड थे, अब वो फिट हो गए हैं। हाल ही में ऋषभ पंत ने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की थी जिसमें उन्होंने केएल राहुल और श्रेयस अय्यर की बैटिंग की क्लिप शेयर की और बोला कि लाइव मैच बड़े दिनों बाद देख रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। उन्हें बिल्कुल लाइव में क्रिकेट के मैदान से काफ़ी लंबे टाइम से वो दूर भी थे, लाइव मैच जब देख रहे थे तो उन्होंने इंस्टाग्राम स्टोरी शेयर करी। इसमें जो सबसे बड़ा की पॉइंट है वो है भारतीय प्रशंसकों के लिए, भारतीय टीम मैनेजमेंट के लिए, कप्तान के लिए, क्योंकि श्रेयस अय्यर और केएल राहुल रिपोर्ट्स के अनुसार अब तक 80% फिट हो चुके हैं, और अगर वो 80% फिट हैं तो भारतीय टीम के लिए इससे अच्छी खबर कुछ और नहीं हो सकती, क्योंकि जो नंबर 4 और 5 की समस्या है भारतीय टीम के साथ लंबे टाइम से बनी हुई, जब से राहुल और श्रेयस दोनों ही दूरी बना रहे हैं क्रिकेट से अपनी चोट की वजह से, वहाँ से लगातार ये समस्या भारतीय टीम के साथ बनी हुई है। देखिए मैं एक बार आपको स्टैट्स बता देता हूँ संजू सैमसन के और सूर्यकुमार यादव के ODIs में। संजू सैमसन ने देखिए 13 मुकाबले खेले हैं अभी तक, 390 रन हैं, 55 का एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, यानी परफॉर्मेंस अच्छी है, रन भी अच्छे बनाए हैं। वहीं सूर्यकुमार यादव, देखिए इसी साल सीरीज हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, वो सीरीज सूर्यकुमार यादव शायद अपने करियर में कभी दोबारा मुड़ के ना देखना चाहें, क्योंकि 3 गोल्डन टक, और ये कहीं ना कहीं आपकी फॉर्म, आपके कॉन्फिडेंस को पूरी तरह से हिला देता है। 26 मुकाबले सूर्यकुमार यादव ODIs में, 511 रन, 64 का हाइस्ट स्कोर है, 24 की एवरेज और स्ट्राइक रेट 101 की। जिस हिसाब से देखिए सूर्यकुमार यादव का परफॉर्मेंस T20 में रहा है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ये आंकड़े उनकी फॉर्म को, उनकी बल्लेबाजी स्टाइल को कहीं से भी नहीं दर्शाते हैं। हाल ही में ODI सीरीज हुई थी वेस्टइंडीज के खिलाफ, जिसे भारत ने 2-1 से जीत लिया था। बड़े नाम शामिल थे वहाँ पे, विराट कोहली भी थे, रोहित शर्मा भी थे, लेकिन इन्हें गेम खेलने का मौका नहीं मिला। रोहित शर्मा ने तो चलिए पहले ODIs में थोड़ी देर बल्लेबाजी भी की थी, लेकिन विराट कोहली एक भी बार ODIs में मैदान पे नहीं बल्लेबाजी करने उतरे। उसका कारण ये भी है कि आप जितने आपके नए खिलाड़ी हैं, आप जिनको ट्राई करना चाहते हैं स्क्वाड में, आप उनको मौका दे रहे थे, आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। उसके बाद T20 की श्रृंखला हुई, वहाँ पर आप श्रृंखला हार गए 3-2 से। एक्सपेरिमेंट्स के नाम पे आपने इतने एक्सपेरिमेंट्स कर दिए कि कहीं ना कहीं आप सेल्फ डाउट में आ गए, आपकी बल्लेबाजी पूरी तरह से एक्सपोज हो गई, आपका नंबर 4 और 5 बिल्कुल खामोश रहा। ODIs में आपको वहाँ पे मैं बता दूँ, संजू सैमसन के रिकॉर्ड्स, 2 इनिंग वहाँ पे उन्हें खेलने को मिली, पहले मुकाबले में उन्हें बल्लेबाजी का मौका नहीं मिला। 2 इनिंग में उन्होंने 60 रन बनाए, पहला जो दूसरा मुकाबला खेला था ODI, वहाँ पे 9 रन, तीसरा 51 रन, यानी एक अर्धशतकीय पारी उनके बल्ले से निकली थी। वहीं सूर्यकुमार यादव की बात करें तो 3 मुकाबले में बल्लेबाजी का मौका मिला, पहले मुकाबले में 19 रन, दूसरे में 24 और तीसरे में 35, यानी सर्वाधिक स्कोर जो रहा इस सीरीज़ में वो सिर्फ 35 था। ये बात गौर फरमाने वाली है कि ये 35 रन, 24 रन और 19 रन तब आए हैं जब आपको बड़ा टूर्नामेंट, बड़ी पिक्चर, वर्ल्ड कप और उससे पहले एशिया कप खेलना है। वहीं जो दूसरी टीमें हैं जो आपको कॉम्पिटीट करेंगी, यानी पाकिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया हैं, इंग्लैंड हैं, उन्होंने धीरे धीरे अपने पत्ते खोल दिए हैं, सारे खिलाड़ी लीग्स में खेल रहे हैं, बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहे हैं। वहीं हमारी टीम, भारतीय टीम, हमारी देखिए जो बल्लेबाजी क्रम की समस्या है, नाम बहुत बड़े हैं लेकिन फिलहाल फॉर्म से जूझ रहे हैं। अब आयरलैंड सीरीज़ में इन 3 खिलाड़ियों पर बहुत नज़रें बनी रहनी है। सबसे पहले जसप्रीत बुमराह की फॉर्म, दूसरा संजू सैमसन की बल्लेबाजी फॉर्म, यहाँ पर सूर्यकुमार यादव को जगह नहीं दी गई है, यानी सूर्यकुमार यादव अब जो कैंप लगाए जाएंगे भारतीय टीम के एशिया कप से पहले, वहाँ पे वो नज़र आएंगे। फिलहाल उस वक्त संजू सैमसन आयरलैंड में सीरीज़ खेल रहे होंगे। तीसरा नाम होंगे प्रसिद्ध कृष्णा। ये 3 नाम ऐसे होंगे जिनके ऊपर भारतीय मैनेजमेंट की निगाहें लगातार बनी हुएंगी, एशिया कप के टीम को लेके, उसके बाद वर्ल्ड कप की टीम को लेके। देखिए लगभग वर्ल्ड कप में वही टीम खेलेगी जिनका सिलेक्शन एशिया कप में होगा। एशिया कप में हो सकता है 18 खिलाड़ियों को जगह दी जाए, वर्ल्ड कप में आपको 15 खिलाड़ियों को लेके जाना है, तो वो 3 खिलाड़ी शायद नहीं जाएंगे, आप उन 3 खिलाड़ियों को ड्रॉप करेंगे और 15 खिलाड़ियों को आप वर्ल्ड कप में लेके जाएंगे। तो हम सभी चाहते हैं कि यहाँ पर जसप्रीत बुमराह की वो फॉर्म वापस आए, जैसा कि हमने बताया कि आखिरी मुकाबला उन्होंने काफ़ी लंबे अरसे पहले खेला था। उसके बाद संजू सैमसन परफॉर्मेंस से जूझ रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जो 3 T20 की श्रृंखला है वहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस शानदार निकल के आए। संजू सैमसन,
ये दूसरा नाम हो गए। तीसरा सूर्य कुमार यादव, अब इन्हें डायरेक्ट एशिया कप में खेलना है, तो हम चाहते हैं कि उसके पहले जो कैंप लगे, जो इनके प्रैक्टिस हो, वहाँ पर अच्छी शानदार लय में दिखाई दी। और केएल राहुल और श्रेयस अय्यर अगर फिट हो जाते हैं तो फिर वो जगह किसको दी जाएगी? अगर केएल राहुल फिट हो जाते हैं तो विकेट कीपिंग ऑब्वियसली केएल राहुल करेंगे। एक प्रैक्टिस में उनकी फोटो भी वायरल हो रही थी जहां पे वो विकेट कीपिंग की भी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो नंबर चार और पाँच की समस्या लगभग सॉर्ट हो जाएगी वहां पर। श्रेयस अय्यर के नंबर चार पे आंकड़े काफ़ी लाजवाब हैं, तो ये समस्या हमारी लगभग हल होती जाएगी। श्रृंखला शुरू हो रही है आयरलैंड के साथ। 18 तारीख को पहला मुकाबला होगा, 20 तारीख को दूसरा और 23 तारीख को तीसरा मुकाबला खेला जाएगा। तीनों मुकाबले डबलिन में खेले जाएंगे, यानी ये तीन खिलाड़ियों के लिए बहुत अहम है भारतीय टीम के लिए। और बाकी जो युवा टीम गई है, यानी यशस्वी हैं, तिलक हैं, जितेश हैं, शिवम दुबे दोबारा भारतीय टीम की जर्सी में नजर आएंगे काफ़ी लंबे समय बाद। उसके बाद मुकेश कुमार हैं, अर्षदीप सिंह हैं, आवेश खान हैं, यानी अब ये जो खिलाड़ी हैं इनके लिए भी ये प्रैक्टिस बहुत अहम होगी, क्योंकि आपको सितंबर में एशियन गेम्स में भी हिस्सा लेना है। आप ज़रूर चाहेंगे कि वर्ल्ड लेवल पे ये जो टूर्नामेंट्स होते हैं, जो टूर्नामेंट हो रहा है एशियन गेम्स चाइना में जो होने हैं, वहाँ पे आप जाएं और अपने देश के लिए गोल्ड मेडल, जो पहली बार क्रिकेट गेम वहाँ पे इंक्लूड हुआ है, आप वहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आएं। तो ये था पूरा अभी तक का सार जो भारतीय टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सीरीज़ खास तौर से इन तीन खिलाड़ियों पर नज़र होगी। उसके बाद हमें एशिया कप खेलना है। 30 तारीख से एशिया कप शुरू होगा। भारत का पहला मुकाबला 2 तारीख को पाकिस्तान के साथ होना है। पाकिस्तान के खिलाड़ी फिलहाल लंका प्रीमियर लीग और द 100 में बेहतरीन लय में दिखाई दे रहे हैं। चाहे आप नसीम शाह की बात करें, बाबर आजम की बात करें, इफ्तिखार अहमद की बात करें, ये सारे खिलाड़ी ये लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, श्रीलंका में खेल रहे हैं। उन्हें एशिया कप भी श्रीलंका में खेलना है, यानी कंडीशन से वो भलीभांति परिचित होंगे और परफॉर्मेंस भी उनकी शानदार है। बाकी शाहीन शाह अफरीदी हैं और जो कुछ खिलाड़ी हैं वो द 100 में जलवा बिखेर रहे हैं। तो भारतीय टीम के लिहाज से आयरलैंड सीरीज़ इन तीन खिलाड़ियों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। बाकी जो युवा टीम है, काफ़ी युवा टीम है, इनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एशियन गेम्स खेलना है। और अब सबकी निगाहें टिकी हैं कि जब एशिया कप के लिए भारतीय टीम अनाउंस होगी, जब वो स्क्वाड अनाउंस होगी, जैसे वो स्क्वाड आएगी हम आपको उसके लिए भी अपडेट लेके आएंगे। बाकी आपकी क्या राय है कि संजू सैमसन, सूर्य कुमार यादव और जो डिक्लाइनिंग परफॉर्मेंस चल रही है उनकी, उस पर आपका क्या मानना है? जसप्रीत बुमराह के कमबैक पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और स्पोर्ट्स से जुड़ी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्पोर्ट्स लाइव एबीपी लाइव को।